हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉके स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण मानंकु स्वागत करुछि। तबे आज आमे डिस्कशन करिबा हमर एएसओ परीक्षा पई किछि सिलेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चन जाकि आपणकर परीक्षा रे आसीबार संभावना बहुत रहउछि। तेणु भिडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनाहंती चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु जहा फल रे आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी पाई परिबे। तबे चालंतु डिस्कशन को आरंभ करिबा। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन डी आपनकर देछि, आसाम स्टेट रिसेंटली साइंड ए एमओयू विथ व्हिच स्टेट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन द स्टेट बॉर्डर। तो देखंतु ऑप्शन आइथला नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो देखंतु आसाम आउ मेघालय भितरे माने डिफरेंसेस थिला, तेनु साइन करा जायछि एमओयू डिफरेंसेस को हटेया पे। तो सटीक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन बी। तो समस्ते भलावर मन रखंतु। तो आसाम स्टेट रिसेंटली साइंड ए एमओयू विथ द मेघालय स्टेट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन द स्टेट बॉर्डर। तो सटीक उत्तर होछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि, व्हिच कंट्री ओन द लॉक्ड सील 2022 साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। तो देखंतु रिसेंटली हमर नाटो कंडक्टेड करथिला जाकि साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। तो नाटो कंडक्टेड कोठी करथिला, तो नाटो कंडक्टेड करथिला हमर इस्टोनिया रे। तो समस्ते भलावर मन रखंतु, इस्टोनिया कंडक्टेड करा जायतिला जाकि साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। तो देखंतु साइबर डिफेंस एक्सरसाइज रे माने विनर हेतिला फिनलैंड। फिनलैंड, तो फिनलैंड हो सटीक उत्तर, ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तो देखंतु फिनलैंड कंट्री हमर माने फर्स्ट पोजीशन नेतिला माने विनर हेतिला। तो फर्स्ट पोजीशन हो फिनलैंड, सेकंड हमर रहितला दीटा कंट्री सेकंड रे पोजीशन रहितले जे कि लिथुआनिया, लिथुआनिया आउ लिथुआनिया सहित पोलैंड। आउ थर्ड रे थिले, थर्ड पोजिशन थिले इस्टोनिया जे कि होस्ट करथिला। तो इस्टोनिया आउ जॉर्जिया। तो देखंतु आपणकर जेतले क्वेश्चन पचारिबो जे जो हमर लॉक्ड सील्ड 2022 साइबर डिफेंस एक्सरसाइज रे टॉप पोजीशन के हासिल करथिला, टॉप पोजीशन हासिल करथिला फिनलैंड कंट्री, सेकंड पोजीशन रहितला लिथुआनिया को पोलैंड, थर्ड रहितला इस्टोनिया को जॉर्जिया। तो देखंतु टोटल 2000 माने पार्टिसिपेट थिले जाकि 32टा देशरु 2000 जन पार्टिसिपेट करथिले। आउ ऑर्गेनाइज करथिला नाटो जाकि इस्टोनिया रे माने एटा होस्ट हेतिला। तो आपणकर जहा भी क्वेश्चन पचारि रहितरु आपण इजीली आंसर करि परि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि, इन एप्रिल 2022 द इंडियन एयर फोर्स यूज्ड व्हिच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट टू सक्सेसफुली अंडरटेक लाइव टेस्ट फायरिंग ऑफ ए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो देखंतु आपणकर ऑप्शन थिला MK3, हॉक 132, MIG-29 UPG, Su-30 MKI। तो देखंतु आपणकर सटीक उत्तर होछि ऑप्शन डी जेकि सुखोई रो यूज करा जायतिला। तो सटीक उत्तर होछि आपणकर Su-30 MKI यूज करा जायतिला। इन एप्रिल 2022 इंडियन एयर फोर्स यूज करतिला सुखोई जेकि लाइव टेस्ट फायरिंग पे जेकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे। तो सटीक उत्तर होछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन डे हमर देछि, व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द कमेमोरेटिव इवेंट एंटरप्राइज इंडिया। तो देखंतु हमर जो मिनिस्ट्री माने लॉन्च करथिला जे कि एंटरप्राइज इंडिया सेटा होछि। तो प्रथमे हम ऑप्शन देखिबा, ऑप्शन देथला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यार सटीक उत्तर होछि जो यूनियन मिनिस्ट्री हमर लॉन्च करछि कमेमोरेटिव इवेंट जे कि एंटरप्राइज इंडिया, सेटा होछि हमर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो MSME माने कोन? MSME होची मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो सटीक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि, लेजेंडरी सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर प्रफुल्ल कर हु रिसेंटली पास्ड अवे फ्रॉम व्हिच स्टेट। तो देखंतु एटा आपनकर लेजेंडरी सिंगर जे कि हमर प्रफुल्ल कर हम ओडिसा रु ही बिलोंग करंती, भुवनेश्वर रे तांकर देहांत हेतिला। तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि, डोनबास व्हिच वाज सीन इन ए न्यूज रिसेंटली जे रीजन इन व्हिच कंट्री। तो देखंतु डोनबास आ लुहान्स, डोनबास आ लुहान्स को होची यूक्रेन रो पार्ट, किंतु ताकु रिपब्लिक करिवा जोगु माने रशिया रिपब्लिक कर देला जेहेतु सेति पई तांकर युद्ध चलछि। तो रशिया यूक्रेन मध्ये युद्ध डोनबास आ लुहान्स को रीजन जोगु हि चलिछि। आ जानिथिबा आपन माने जे नाटो रे मिसिया पई जेतले कहिला यूक्रेन सेति पई युद्ध चलला। तो आपनकर कॉज भी जहा आइथौ आपनकर आन्सर एठारे होछि डोनबास होछि रीजन ऑफ यूक्रेन। तो सटीक उत्तर होछि ऑप्शन
बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द इंडियन कोस्ट गार्ड हाज ऑर्गेनाइज द 8th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पोंस एक्सरसाइज जेकि नॉट पोलर एक्स बी ट्रिपल आई इन व्हिच प्लेस तो देखंतु ऑप्शन एतला नागालैंड गोवा मेघालय त्रिपुरा तो यार सटीक उत्तर होइछि इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज करिछि 8th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पोंस एक्सरसाइज जेकि नॉट पोलर एक्स बी ट्रिपल आई सेटा करिछि गोवा रे तो सटीक उत्तर होइछि हमर ऑप्शन बी तो आउ मध्ये आपण डिटेल जदि जानिबे डिटेल आपण माने भलार मन रखंतु गोवा रो को माने हर्बर एटा कराई छी तो आपण को गोवा रे समस्त भलार मन रखंतु मर्मू गाओ हर्बर रे ए एक्सरसाइज टी कंडक्ट करा जाय छी जा कि आपण को समस्त भलार मन रखंतु इनॉग्रेट के करथिले तो इनॉग्रेट करथिले जे हमरो रिसेंटली यूनियन यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी अछंती यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी जे अछंती ता अजय कुमार तो समस्ते भल भाव मन रखु अजय कुमार जे कि आमर यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी अच्छा इनागुरेट करते नॉट पोलर एक्स बी ट्रिपल आई जे कि गोवार समस्ते भल भाव मन रखु मर्मू गाँव हर्बर रे तो सठिक उत्तर होप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी आमर देछि हु हाज लॉन्च्ड फास्टर सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट कोड ऑर्डर स्विफ्टली इन मार्च 2022 तो आपणकर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन थिला जस्टिस एनवी रमन्ना जस्टिस रघुनाथ सारंगी जस्टिस जोगेंद्र साहा जस्टिस पीके मिश्रा तो सठिक उत्तर होछि आमर जो फास्टर सॉफ्टवेयरटा वर्तमान माने करा जायछि जाकि कोर्ट रे जाकि ट्रांसमिट करिवो कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली इन मार्च 2022 सेटा लागू करिछंती जाकि लॉन्च करिछंती जस्टिस एनवी रमन्ना तो आपण माने भल भाव मन रखु जस्टिस एनवी रमन्ना लॉन्च द फास्टर सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली इन मार्च 2022 तो फास्टर माने कौन तो फास्टर फुल फॉर्म देखु फास्टर फुल फॉर्मटा होउछि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स तो यठार आप सठिक उत्तर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी दे द नेशनल क्वालिटी एंड सर्विसेस लीडरशिप अवार्ड वेयर प्रेजेंटेड टू हाउ मेनी विनर्स आट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्लोराक्सिस मीडिया ग्रुप तो देखो ऑप्शन इतना 20, 30, 10, 50 तो यार सठिक उत्तर हो नेशनल क्वालिटी सर्विसेस लीडरशिप अवार्ड को मिली जहाँकि मिली 20 जन को जैक नेशनल लेवल रे ऑर्गेनाइज कराइला फ्लोरासिक्स मीडिया ग्रुप द्वारा तो 20 जन को मिली तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि सारथी ए मोबाइल आप हाज बीन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू तो देखंतु सारथी जो हमर रहिछि मोबाइल आपटा सेटा रिलेटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन इन कैपिटल मार्केट पे सारथी आपटा माने रिसेंटली न्यूज रे रहिछि तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द बोल्डमैन मेडल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड तो देखो बोल्डमैन मेडलटा दिए जाए कौथिपाई तो देखो ऑप्शन थिला स्टैटिस्टिकल फिजिक्स केमिकल एसोसिएटेड ऑथर कैटेगोरी साइंटिफिक रिसर्च तो सठिक उत्तर हो बोल्डमैन मेडलटा दिया जाए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए तो समस्ते भल भाव मन रखु बोल्डमैन मेडलटा आम दि जाए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही प्रधानमंत्री गतिशक्ति स्कीम रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो देखो आपंकर ऑप्शन देता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्लान रिवर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हाईवे नेटवर्क कनेक्शन बॉर्डर रोड वर्क तो सठिक उत्तर हो पीएम गतिशक्ति स्कीम जोटा रिसेंटली मैंने न्यूज रही इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्लान तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द रिसेंटली लॉन्च्ड बाहिनी स्कीम इज रिलेटेड टू तो देखो बाहिनी स्कीमटा रिलेटेड टू कौन तो देखो ऑप्शन ए था इंस्टॉलेशन ऑफ वेंडिंग मशीन टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स ऑप्शन बी देता महिला ग्रुप विंग्स ऑप्शन सी देता एसएसजी ग्रुप ऑप्शन डी देता फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन तो यार सठिक उत्तर होची रिसेंटली लॉन्च्ड बाहिनी स्कीम इज रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ वेंडिंग मशीन्स टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन
ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टे मोर देछि क्लियर स्पेस वन, तो यहाँ आप परीक्षा आसला भाई क्वेश्चन। तो क्लियर स्पेस वन शेड्यूल टू लॉन्च इन 2025 विल बी द फास्ट स्पेस मिशन टू एलिमिनेट डेबरिस फ्रॉम द ऑर्बिट। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ, देखो आम ऑप्शन देखा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, इसरो, जाक्सा मान जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो सठिक उत्तर हो जो क्लियर स्पेस वन जैकि शेड्यूल कर लॉन्च कर 2025 जैकि साइन कराइला, देखो साइन कराइला नवंबर 2020 जैकि स्पेस डेबरिस को मानने रिमूवल प्रोसेस में जो मिशनटा कराई क्लियर स्पेस वन जहाँकि मिशनटा रही कार मिशनटा रही यूरोपियन स्पेस एजेंसी रो। तो देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से खर्च करुच्छे 86 मिलियन यूरोज, तो आप सठिक उत्तर ऑप्शन ए। तो समस्ते भल भाव मन रखु क्लियर स्पेस वन टा हूँ यूरोपियन स्पेस एजेंसी रो मिशन, तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच कंट्री हाज साइंड एमएड टिल एंटीलिचिंग एक्ट इनटू लॉ। तो देखो एमएड टिल एंटीलिचिंग एक्ट इनटू लॉ करी रिसेंटली यूएसए माने अमेरिका, तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही बनी बुफालो इज इन न्यूज रिसेंटली फाउंड इन। तो देखो बनी बुफालो जहाँकि आप जानते रिसेंटली न्यूज रहा जहाँकि IVF प्रोसेस द्वारा क्रिएट कर मैंने IVF कौन IVFटा हूँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा जो क्रिएट कर बनी बुफालो से मैंने रिसेंटली न्यूज़ अच्छी कौट देखा जाए, तो यहाँ देखा जाकि गुजरात कुछ रिजन में। तो देखो गुजरात कच कहती कच रिजन में देखा जाए जैकि बनी बुफालो जैकि रिसेंटली न्यूज रे थिला, तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द फास्ट पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम हाज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी। तो देखो रूफटॉप मैंने फास्ट पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम जैकि इनॉग्रेट कर गांधीनगर जैकि गुजरात, तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन देखा गांधीनगर कुच कटक कोझिकोड, तो सठिक उत्तर फास्ट पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम हाज बीन इनॉग्रेटेड इन गांधीनगर गुजरात, तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हे आर 70 फिट स्टाच्यू ऑफ बाबा साहेब जहाँकि स्टाच्यू ऑफ नॉलेज नाम जना हाज बीन बिल्ट रिसेंटली। तो देखो लतूर सिटी जहाँकि महाराष्ट्र रही स्टाच्यू ऑफ नॉलेज मैंने रिसेंटली बिल्ड कर 70 फिट रहाँकि स्टाच्यू रही जहाँकि बाबा साहेब आंबेदकर, तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। तो देखो स्टाच्यू ऑफ नॉलेज एमती आप क्वेश्चन पचारा जहाँकि 70 फिट रही स्टाच्यू जहाँकि बाबा साहेब आंबेदकर रिसेंटली बिल्ड होती लतूर सिटी जहाँकि महाराष्ट्र से जब पचार स्टाच्यू ऑफ यूनिटी, स्टाच्यू ऑफ यूनिटी आम सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँकि आम टॉलेस्ट स्टाच्यू इन द वर्ल्ड जैकि स्टाच्यू ऑफ यूनिटी कौट रही स्टाच्यू ऑफ यूनिटी आम रही नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट रही जहाँकि गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट रही। तो यार हाइट मत आपने भल भाव मन रखु 182 मीटर हूँ स्टाच्यू ऑफ यूनिटर हाइट। से भाई भाव में आप रिसेंटली स्टाच्यू ऑफ इक्वालिटी स्टाच्यू ऑफ इक्वालिटी रिसेंटली आम जहाँकि आपने जानते हैं 5 फरवरी 2022 ओपन होकि रामानुजन स्टाच्यू रही जैकि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जैकि हाइद्राबाद रही। तो देखो जैकि स्टाच्यू ऑफ इक्वालिटी हाइट रही समस्त भल भाव में रखु हाइट आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारिपे। तो स्टाच्यू ऑफ इक्वालिटी हाइट रही 216 फिट जहाँकि 66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही आज पर द IMF माने आमर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इन फाइनेंशियल ईयर 23 माने 2023 IMF रो जो प्रोजेक्टेड GDP रही ग्रोथ रेट इंडिया रो, तो केते रहे बोली प्रेडिक्शन करा जाय छी बा प्रोजेक्टेड करा जाय छी। तो सटीक उत्तर हो छी आपनकर ऑप्शन ए 8.2%। तो समस्ते भला रे मन रखंतु 8.2% जाकी हमरो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट रहइबो जाकी इंडिया रो जाकी IMF कहिछि, तो सटीक उत्तर हो छी आपनकर 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही छी व्हाट इज द आसेट मोनिटाइजेशन टारगेट सेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 माने 2022 रो आसेट मोनिटाइजेशन टारगेट केते थिला। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 88,000 crore। तो देखो 2023 रे आपनकर पचारि परे तो 2023 रो केते रहिची, तो 2023 रो रहिची 1.6 trillion rupees।
तो देखो टोटल जो 20 क्वेश्चन मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन जैक आप मोस्टली एस परीक्षा आसला भाई क्वेश्चन को आम डिस्कसन कर सारी आशा करुँ आपको भिडियोट भल लगे जब भिडियोट भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सांग मध्य अधिक सेयार करेंगे तेज भिडियो बर्तमान पर देखी थी धन्यवाद।